खबर पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर परिषद पोहरी से है, जहां पर आज शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे भाजपा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए और उन्होंने अपने सभी बूथ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। संवाद करते हुए उनसे मिले, साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी कार्यकर्ताओं एवं मंडल अध्यक्षों को 14 निर्देश अपने वोटरों को मार्गदर्शन देने के लिए दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हाथ से और जिंदा दिली और मिलनसार स्वभाव से हजारों लोगों का दिल जीत लिया। लोगों का कहना है कि पोहरी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से विधानसभा के सभी चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्रीमंत सिंधिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की गरीब किसान से लेकर हर घर हर द्वार तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई हैं। उन्हें ये महसूस कराएं कि भाजपा को चुनना उन्हें अपनी सभी योजनाओं को चुनना है। श्रीमंत सिंधिया ने कहा कि कई बार प्रत्याशियों से कई गलतियां भी हो जाती हैं, क्योंकि कई बार उनके प्रतिनिधियों के आसपास उनकी समस्याएं नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह से कई लोगों को गलतफहमियों का शिकार होना पड़ा है। उन्हें नज़रअंदाज कर भाजपा को सत्ता में बैठाएं, मैं और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा की सरकार बनाएं, जिससे देश का गौरव अन्य देशों को भी देखने को मिले। जिसके बाद श्रीमंत सिंधिया ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब ऐसी चर्चा है कि केपी सिंह जी वहाँ फंस गए हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को मैं कैसे मदद कर पाऊँ? जब मैं कांग्रेस में था तब भी मेरे बारे में ही सोचते थे, अब मैं बीजेपी में हूँ तब भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, तो अब मैं उनको मदद नहीं कर सकता। कुल मिला के फंस गए जरूर। जिस तरीके से स्वयं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ऐसे व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, ये ना उनको शोभा देती है ना कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है। और जिस तरीके से एक एक मानव के साथ खेल खेला है दोनों ने मिलकर, इसका जवाब भी जनता उन दोनों को जरूर देगी।